कह रहा था आप लोगों से कि हम लोग एक जगह पे आए हुए हैं, इसका नाम है बिग बाजार, जो कि सामने दिख रहा है हमारे। हम लोग उसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे बर्गर मिलता है, तो आपको वहाँ का हल्का सा वहाँ का मेनू दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन से टाइप के बर्गर मिलते हैं, मतलब वेज बर्गर, डेट बर्गर में कोई आइडिया नहीं है, बहुत सारे टाइप के बर्गर हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। तो चलें, चलो चलते हैं, आ जाओ, चलिए अभी अंदर मिलते हैं आपसे। तो ऐसा है कि हम लोग मैकडॉनल्ड के अंदर आ चुके हैं और हुआ क्या ना कि वहाँ पर लाइन काफ़ी ज़्यादा है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर लाइन काफ़ी ज़्यादा पड़ी है और तो इसीलिए हम लोग अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे ना एक स्कैन कोड बना हुआ है, ये मैं पहले कभी मैंने देखा नहीं था, ये चीज़ आज मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया मैडी के अंदर आके। यहाँ पे एक स्कैन कोड बना हुआ है, अगर आपको ऑर्डर करनी है ना तो आप यहाँ से बैठे बैठे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आपका ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग, शायद से हम लोग श्योर नहीं है कि यहीं पे बर्गर खाएंगे, क्योंकि पता नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी कि यहाँ पे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो अभी इसको चेक करते हैं, आपको दिखाता हूँ, मैं स्कैन कोड दिखाता हूँ कैमरा मोड़ के अभी आपको। गाइस, ये है स्कैन कोड जो कि आपको हर मैडी में मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पर, उस पर स्कैन करिए और आप पे कर दीजिए, यहीं से पे कर दीजिए, आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब सीट पर आ जाएगा। अभी तो हमारे सीट पर तो वैसे कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन इतना है कि आप इसी कर सकते हो यहाँ पर आके। ये देखिए, अब सेफ्टी प्लस का भी साइन लगा दिया है, लीव प्लीज़ लीव दिस सीट एम्प्टी। मतलब ये नहीं पता सेफ्टी प्लस के बाद प्लीज़ लीव दिस एम्प्टी का मतलब क्या है, कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट इसका? मेरे को नहीं समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ रहा होना तो गाइस नीचे कमेंट करके बताइए। गाइस ऐसा है ना कि हुआ क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे दो बर्गर मतलब ऑर्डर किए थे, और दो किए थे ना ऑर्डर, पर पता नहीं वो कैसे कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद बहुत टाइम लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा, बहुत भीड़ भी थी, तो हम लोग सोचा तो इसीलिए जो है हम लोग जो है एक जगह और जा रहे हैं, जहाँ जगह जो जगह जिस क्या बोल रहा हूँ मैं जिस जगह हम लोग यूजुअली बहुत बार जाते हैं, जिस जगह नाम तो देखा ही होगा, पैरामाउंट बेकर्स। हाँ, जिस जगह हम लोग जा रहे हैं उसको, वहाँ से मैंने कई बार केक लिया हुआ है अपने लिए, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर बताया था वहाँ पर बर्गर यहाँ सस्ता भी है, और मेरे तब एक बार बताऊँ आपको, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा भी मिलता है, सही बोल रहा हूँ ना, वहाँ बहुत अच्छा ही मिलता है। तो हम लोग वहाँ चल रहे हैं अब, तो वहाँ पे भी आपको, आप लोग आज हमारे साथ बर्गर खाएंगे, बिना बर्गर खाए घर नहीं जाएंगे आज हम लोग। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा दीजिए ना, और नीचे जाइए थोड़ा, सब्सक्राइब का ऑप्शन है ना नीचे, कहाँ पर है, राइट साइड में है ना, उसको भी दबा दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दबाया है। तो ये देखिए, ये है पीछे पूरा बिग बाजार, ये पीछे आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये इस तरफ इनका मैकडी है, इस तरफ नीचे मतलब नीचे भी पार्किंग वगैरह है, नीचे पार्किंग वगैरह आप देख सकते हैं ये। और ये चाबी मेरे जेब से निकालने का जुगाड़ में है, गाड़ी चोरी करने वाले के भैया। तो गाइस देखिए, ऐसा है कि हम लोग अब जा रहे हैं वहाँ पर, चलिए ओके। देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पैरामाउंट बेकर्स, क्योंकि हम लोग पहले गए थे मैकडी, तो मैकडी में तो जो बर्गर था वो मेरे को थोड़ा सा महंगा लगा, और भैया के यहाँ जो बर्गर मिलता है वो बर्गर काफ़ी अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है, और खाने में टेस्टी भी होता है। तो बाकी हम लोग जो है अभी बर्गर कितने का भी है, बर्गर कितने का आपके यहाँ? वेज 60 का है, तो 60 रुपीज़ का है यहाँ बर्गर एक, तो आप लोग यहाँ पर आइए और बर्गर जरूर खाइएगा। क्यों, तुम खाए हो ना? हाँ, अच्छा होता है ना, ऐसा क्या मुंह बना रहा है, अच्छा होता है, नहीं होता होता है। तो दो बर्गर कर दिए भैया, 60 का एक बर्गर होता है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप लोग प्रयागराज में, तो यहाँ जरूर आइए। और बेसिकली ये जो शॉप है भैया की, इसका नाम पैरामाउंट बेकर्स है, और ये जो शॉप है इनकी जो कानपुर रोड, जो मतलब जो दिल्ली वाले रूट है, जो उसी रूट पर पड़ता है। तो कभी आप यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप मान लीजिए अगर आप प्रयागराज नहाने मतलब संगम अगर नहाने भी जा रहे हैं, तो वहाँ से काफ़ी पास है ये शॉप, तो आप लोग यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। कह रहा है इसको क्या कहते हैं, लगी डोनट कहते हैं, डोनर कहते हैं, डोनट। अच्छा अच्छा, डोनट कहते हैं, ओके। मुझे लगा वो नहीं है विक्की, डोनर डोनर हो गए ना फिर। अच्छा लेकिन गाइस ऐसा है कि नहीं, देखिए देखिए मैं ये चीज़ बताता हूँ आपसे। अच्छा बताइए आप लोगों के लिए आपके सबसे फेवरेट, यहाँ इसमें से सबके फेवरेट आपकी कौन सी पेस्ट्री है, आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा, ठीक है? कौन सी खाना चाहेंगे, हाँ आप लोग कौन सी खाना चाहेंगे,
चॉकलेट फ्लेक्स हाँ, या ये केक खाना चाहेंगे हाँ, या फिर आप यहाँ चॉकलेट पुडिंग खाना चाहेंगे, या ये जो रम बॉल है और ये डोनट हाँ, या फिर यहाँ से किसी एक केक को खाना चाहेंगे, कमेंट करिए अपना व्यू। अच्छा गाइज ये मत बोलिए हम तो सब कुछ खाना चाहेंगे, तुम क्या खिलाना चाहोगे ये चीज मत बोलिए ना, ऐसा नहीं, ऐसा है कि नहीं, मतलब हम तो सब कुछ खाएंगे, तुम भी तो कुछ खिलाओ। मैं कह रहा हूँ कि अभी भैया ये बैठे हुए हैं, भैया थोड़ा थोड़ा सा शक्ल दिखा देंगे। हाँ ये भैया बैठे हुए हैं, इनका नाम प्रवीण अदवाई नाम है। मैंने भैया से कहा भैया थोड़ा ब्लॉग में आ जाएंगे, कह रहा है यार मेरी आदत नहीं है। तो आदत तो वैसे हम लोग की भी नहीं है सच, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भैया जो है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। तो मैं अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूँ, प्रवीण भैया नाम है इनका। तो आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ पर सारे बर्थडे वगैरह के देखिए, यहाँ पर सारे है ना, ये देखो बर्थडे वाले सारा सीजन है। क्या सोच क्या रहा है तुम, ये पता नहीं क्या सोच रहा है, 14 फरवरी बार नहीं सोच रहे हो तुम कुछ कि पिछली बार खाने के बारे में सोच रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ उसके लोग भी सोच रहे हो। चलो ठीक है, यहाँ पर जाए सारे बिस्किट्स वगैरह का वो काउंटर है। नीचे क्या है भैया, सारे बिस्किट, ये बिस्किट है ना ऊपर वाले, इसके नीचे, अच्छा नीचे कुकीज़ हैं, नीचे कुकीज़ हैं। देखिए यहाँ सारे पेस्ट्रीज वगैरह हैं और नीचे केक्स हैं सारे, और ये देखिए। अच्छा तुमने कभी दिया किसी बार तक? नहीं नहीं, वैलेंटाइन डे बताओ ना आप किसी को। अच्छा तो हमें भी दे दो भाई किसी ने, हमें भी दे दो ना, फिर कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे केक्स हैं, और ये अगर परसों वैलेंटाइन डे है और हम लोग सिंगल हैं तो हम लोग उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर आप लोग मिंगल हो चुके हैं तो यहाँ पर आके इसको भेज सकते हैं, इसको दे सकते हैं आप ना। तो गाइस ऐसा है कि हमारा बर्गर आ चुका है, और ये हमारा बर्गर ये काफ़ी बड़ा है। अच्छा मैंने एक चीज़ देखा है, जब भी आप इसको खाओ ना तो साइड से टमाटर से बाहर निकल जाता है, ऐसा है कि नहीं आप लोग साथ होता है ये चीज़, हमको बताइएगा ठीक है। और थोड़ा सा मेरा बाहर निकल गया है, मैं जब लेके आया तो उसमें उठाने घुस गया था, गिर गया। तो अभी इसे खाते हैं आपके लिए हैं, वाकई बहुत टफ है खाना बर्गर मतलब पूरा मुँह बाप फाड़ना पड़ता है, पता है टमाटर बाहर आने वाला था अभी, बहुत अच्छा है गाइस। ये देखिए ये मैंने बर्गर, तो मेरा हाथ गंदा है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा बर्गर मेरा, तो एक बार फिर खाएं, ऑसम, बस बस सच में गिर जाएगा। गाइस ऐसा है कि बर्गर बहुत अच्छा था, लगे अच्छा था ना बर्गर, बहुत अच्छा था, 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 बहुत अच्छा था। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि बर्गर बहुत अच्छा था, और हाँ एक बात मैं आपसे बताना चाहता था, थोड़ा सा ये फूड ब्लॉगिंग से हटकर है, मैं ये कह रहा था कि अभी जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, मतलब यूपी में और उत्तराखंड में और पंजाब में सब जगह इलेक्शंस होने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि मेरे को आज ना एक्चुअली में एक बात याद आ गई अपने जो लेट प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मेरे को याद है 1999 में जब उनकी जब गवर्नमेंट जब गिरने वाली थी, तो मतलब गिर ही चुकी थी एक वोट के कारण, कुछ वट हो गया और उनकी गवर्नमेंट गिर गई। थोड़ा सा आवाज़ आ रही हूँ क्योंकि मैं रोड पर हूँ एक्चुअली में। तो हुआ क्या कि अटल जी ने एक लाइन कही थी, मेरे को वो लाइन याद आ गई आज, कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी मगर देश रहना चाहिए, देश नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो बस मैं गाइस ये कह रहा था आपसे कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं और देने प्लीज़ जाइए, आपका हक है ये, बिकॉज़ वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारा हक है कि हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी को भी उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अपना हक को प्लीज़ समझिए, और जिसको भी दीजिएगा वोट ये सोच के दीजिएगा, ये लाइन सोच के दीजिएगा अटल जी की, कि सरकार आएंगी जाएंगी लेकिन देश नहीं ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसी नोट में ब्लॉग को एंड करूँगा, सही कह रहा हूँ ना, अरे ब्ला ये। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अ ब्लॉग, एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड जय हिंद जय भारत। अपनी तरफ से आप भी बोल दीजिएगा जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।